हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्कटसल, जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई चल रही थी। यहाँ पे इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाने में ठीक है, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या है, समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगी। टेंथ में जाना है, टेंथ में है आप, इलेवेंथ में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, इसके जाने बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है। कल हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तो उस आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन बार बार टर्म आ रहा था। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, क्वेश्चन होगा उनका कि कैटायन क्या होता है, एनायंस क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम थोड़ा चर्चा करेंगे कैटायंस क्या होता है, एनायन क्या होता है। यहाँ कैटायन पे क्या होता है, प्लस चार्ज यहाँ दिख रहा है, कैटायन पे यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है। प्लस का मतलब क्या है, आप एकदम लॉजिकली में आते हैं, एनायंस का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। तो निगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब है, हम बताते हैं आपको। आप ऐसे समझिए कि दो पर्सन है, ए और बी, दो पर्सन है जिसमें क्या होता है, ए के पास मान ली 100 रुपये होंगे, 100 रुपीज 100 है, और बी के पास क्या है, 98 है या कुछ होंगे, यहां पे करते हैं 102। अब क्या हुआ, ये आपका ये दोनों फ्रेंड है आपस में, अब ये चाहते हैं कि दोनों के पास क्या हो, 100 रुपये हो, भाई 98 के पास है, 102 के पास है, 2 रुपये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 198 रुपीज है, यहाँ पे क्या है, 2 रुपये कम है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 कम। तो ये चाहेगा कि मैं और मेरा दोस्त दोनों क्या हो, इक्वल में हो, बराबर में हो, कि ज्यादा क्यों, कम क्यों, अमीर गरीब क्यों, ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों बराबर हो बिल्कुल, ताकि साथ चले। तो ये करेगा, ये 2 रुपये इसको दे देगा, 2 रुपये इसको दे दिया, तो इसके पास हो गया 100, इसके पास भी हो गया 100। अब ये दोनों दोस्त बराबर के अमीर हैं, अब कहीं जाएंगे तो बोलेंगे भाई इसके पास 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऊंच नीच वाले कोई बात नहीं आएगी, अब ना इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर, ठीक है। तो जब ये दो इसको देगा तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा +2, क्योंकि ये जिसने 2 रुपये दिया है, देने वाला क्या होता है, बड़ा होता है, अमीर होता है, लेने वाला गरीब होता है, तो यहाँ पे क्या हो, गरीब के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, मतलब कर्ज, यहाँ पे कर्ज आ गया इसके ऊपर, भाई 2 रुपये कर्ज ले लिया किससे, अपने दोस्त से। तो बस वहीं से शुरू होता है कैटायन एनायन का मामला, कैटायन एनायन। अब देखिए एनायन क्या होता है, इसने एक प्लस इलेक्ट्रॉन किसी इसको दिया होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको उधार में दिया होगा, तो ये देगा तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये बन जाएगा कैटायन। और क्या होगा, एनायन जो सीएल और क्लोरीन है, उसने एक लिया है, इससे एक ले लिया है, ले लिया तो कर्जदार हो गया, नेगेटिव चार्ज लग गया उस पर फट से, वो क्या हो गया, एनायन से, एनायन उसका नाम कर दिया गया, जैसे हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि कर्जदार हो गया, तो यहाँ पे एनायन है, एनायन क्या है, कर्जदार, लेने वाला, जो हमेशा ले रहा है, और कैटायन क्या है, अमीर आदमी है जो हमेशा दे रहा है। तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं याद करने के लिए, एनायन का मतलब क्या है, जो गरीब हो, उल्टा है, एनायन अमीर नहीं गरीब, और कैटायन क्या है, अमीर है, क्योंकि कैटायन क्या होता है, दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, एनायन क्या होगा, ले रहा है, ठीक है। अब देखिए कि उसका यहाँ इस्तेमाल क्या है, ये कैटायन एनायन बार बार समझा क्यों रहे हैं, जरूरत ही क्या पड़ रही है इसको एनायन को कैटायन समझाने की। तो इसका इस्तेमाल है किसी भी कंपाउंड को फॉर्मेशन में, आयनिक कंपाउंड बनने में, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसको बनने में कैटायन एनायन का यूज हो रहा है। अब कैसे यूज हो रहा है ये हम समझाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से, कैसे यूज हो रहा है देखिए आप। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है 11 होता है, 11 Na 22, पहले जाना जरूरी है, एटॉमिक नंबर नहीं पता रहेगा तो ये लिखने में आदमी सोचेगा कहाँ से आ गया, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा लिखने में। तो क्या होता है, इसके लिए एक चीज जाना और जरूरी है, थोड़ा सा बताएंगे आपको हम,
सेल्स जान लीजिए, सेल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जब किसी का लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं तो होता है के एल एम एन ओ, तो उसमें होता है 2, 8, 18, 32 और 56 जो भी इसके बाद आज जो होते हैं 38 के बाद, इतना बहुत है आपके लिए। अब क्या होता है, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, तो यही होता है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद होता है 8 L होता है, K हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, L फिर M 2 बार 18, फिर उसको ऊपर जाएंगे क्या होगा, ये 32 होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है किसी भी एलिमेंट का, ये जानना, ये अगर नहीं पता तो इसको लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या होता है। ये देखिए अब यहाँ फिर से आ गया, एक बार फिर से, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी का, किसी एलिमेंट का, के सेल है, के सेल, के सेल क्या है, के सेल में होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो सकते हैं, एल सेल में 8 और एम सेल में 18, के एल एम एन सेल में क्या होता है 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी एलिमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कैटायन एनायन वाला मामला, क्या दिक्कत है यहाँ, कैसे हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं कि 11Na22 हो रहा है, 11Na22, ठीक है, तो हमें एटॉमिक मास से कोई मतलब होता ही नहीं है, हमेशा एटॉमिक नंबर से मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर का होना इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास ना रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एटॉमिक मास का यूज तब करते हैं जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो हमें जरूरत पड़ती है एटॉमिक मास की, जो कि यहां पे लिखा होता है, ठीक है। ये जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नंबर, ठीक है। किसी एटॉमिक नंबर सीरियल में कब आते हैं, मतलब क्या है, 11वें नंबर पे आता है सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे होते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ऐसे नंबरिंग होती है, नंबरिंग की आती है सबकी, तो वो एटॉमिक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 11Na22 है। अब देखते हैं 11Na22 का क्या होता है, उसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे शेल्स में एक्सपेंड होगा वो, तो यहाँ पे लिखते हैं ये पहला शेल है, इसमें के होता है, ये दूसरा शेल है एल होता है, तीसरा शेल क्या एम होता है। तो क्या होता है, जो 11 यहां पे है, 11 उसको बांटते हैं सेल्स में, तो पहले सेल में 2 चला जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पहले में 2 ही हो सकता है, पॉसिबल ही है 2, मैक्सिमम 2। दूसरे सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये छोटी समझ लीजिए, एक कमरा है, छोटा सा कमरा है जिसमें 2 लोग ज्यादा व्यक्ति नहीं रह सकते, जो दूसरा कमरा है उससे बड़ा है, उसमें ज्यादा क्या है लिखा है साफ साफ, मैक्सिमम 1% अलाउड, सिर्फ 8 लोग वहां पे अलाउ हो सकते, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहेंगे। जो तीसरा सेल है M, उससे मैक्सिमम 32 लोग रह सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ बच रहा है, 2, 8 के बाद 10, 10 और 11 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन बच ही रहा है, तो क्या हम जो है उसको लिख देंगे 1। अब देखिए यहां पे ये कार्बन है, कार्बन नहीं है एक्चुअली क्लोरीन है, क्लोरीन Cl है, कोई आई नहीं समझेगा, Cl है, Cl इसको बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का इस्तेमाल कहां होता है, पानी को डिसइंसेक्टिफिकेशन में, मतलब पानी को साफ करने में क्लोरिफिकेशन करते हैं। अब देखते हैं क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 70 35.5, ये एटॉमिक मास होता है, मास समझ लीजिए, बार बता रहे हैं एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने के लिए कभी भी मास का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, हमेशा एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करना है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए, एटॉमिक नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, क्या होता है, तो यहां पे क्लोरीन में होता है 17 17, तो क्लोरीन में मैक्सिमम क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, यानी 17वें नंबर पे आता है वो, किसी भी गिनती जैसे 1, 2, 3, 4 होती है, उस गिनती में 17वें नंबर पे ये एलिमेंट आता है क्लोरीन,
क्लोरीन का एटॉमिक मास था 35.5, 35.5 उसका एटॉमिक मास है, लेकिन उससे कोई मतलब हमें है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जब बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये के है, के में क्या होता है मैक्सिमम 2, एल में क्या होता है मैक्सिमम 8, एम में क्या होता है मैक्सिमम 18। अब क्या होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां बची कितना रहा है भाई, दो पहले में, दो पहले कमरे में से 2 लोग, दूसरे कमरे में 8 लोग, तीसरे कमरे में 18 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन क्या 7 सिर्फ बचा ही है इनके पास, तीसरे सेल में जाने के लिए सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ही, तो क्या होगा जो 7 रहेंगे वो बैठ जाएंगे। अब क्या होता है, तो होता ये है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहां पे दो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये चाहेगा कि हम इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर स्टेबल हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्या हो जाए स्टेबल हो जाए, हम अस्थाई हो जाए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, इसको बार बार रिएक्शन कराएगा, किसी किसी जहां जाएगा तो रिएक्शन करेगा, जहां जाएगा झगड़ा करेगा, ऐसे कंडीशन समझ लीजिए। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा ये निकाल दे, और यहां पे क्या है 7 है, ये चाहेगा कम से कम मेरा 8 हो जाता अगर, तो थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाती है हमारे अंदर, पहले 2, 8, 8 हो जाता, थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाती है यहां पे, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले ले, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वहां ले ले, यहां क्या हो जाए थोड़ा स्टेबल हो जाए हम। तो अब देखो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां करेगा ट्रांसफर कर देगा, किसको, क्लोरीन को। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा तो यहां पर प्लस चार्ज रहेगा अपने आप, और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज तुरंत, ठीक है। बस ये स्ट्रक्चर बनाने का सिर्फ फायदा यही है कि यहां पे जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा, वो क्या किया इसको यहां पे भेज दिया, तो यहां पे क्या थे 7 होने चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आया है, ये आया है Na सोडियम से, ये इलेक्ट्रॉन क्या सोडियम से मिला, 2, 8, 8, 8 हो गए। तो मतलब यहां पे क्या होता है कि 2, 8, 8 भी लेते हैं, जो सेल्स की होती है उसे 2, 8, 8 भी लेते हैं, थोड़ा सा स्टेबल माना जाता है वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2, 8, 7 की जगह 2, 8, 8 हो जाएंगे, अब यहां पर पढ़ाएंगे आपको नीचे। तो अब इसी को जब रिएक्शन के फॉर्म में डिनोट करेंगे हम, रिएक्शन के फॉर्म में तो क्या हो, कैसे दिखाएंगे, यहां देखिए ध्यान से, सोडियम क्या था 2, 8, 1 था, वही 11 था, सोडियम 11 था, तो 2, 8 यहां पे क्यों हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या निकाल रहा है वो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहां 2, 8, 1 था, ठीक है, 2, 8, 1 था, यहां 2, 8 अलग हो गया, प्लस चार्ज लगा दिया, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो भाई सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या हो गया पॉजिटिव में आएगा हमेशा, ठीक है, Na प्लस हो जाएगा, इसीलिए फिर जब जिस लेने की बात इसको है भाई 2, 8, 7 है इसका, क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 17, 8, 10, 17, 17 तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन होता है 17, वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे, सोडियम से उठा ले रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है उसको ले रहा है, और क्या बन रहा है 2, 8, 8 बन रहा है, 2, 8, 8, तो ये क्या क्लोरीन बन गया 17, 18 हो गया, 2, 8, 7 की जगह अब यहां पे 18 हो गया, क्लोरीन का 18 हो गया, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, यहां पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखा रहे हैं यहां पे, उसी को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, कैटायन एनायंस के फॉर्म में यहां शो करने के लिए इक्वेशन दिखाया गया है। तो ये पहला एग्जांपल है किसी कैटायन एनायन को शो करने का, ये पहला एग्जांपल था। अब हम चाहें तो कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं AlCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब क्या होता है AlCl2, अब देखते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है 12, 2, 8, 10, 2, 12 हो गया, यानी कि 12 Al होना चाहिए इसमें, 12 Al सोडियम के बाद एल्युमिनियम, ठीक है, यहां 12 हो गए। अब आप देखेंगे, हम बताए थे पहले आपको कि ये 2 है ना, 2 यहां पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2, 8 के बाद स्टेबल हो जाएगा, मतलब कम से कम 2 में से, इस 2 एलिमेंट से एक आदमी चाहेगा स्टेबल हो जाए,
कम से कम एक एलिमेंट तो स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है, कि वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा इसको, अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये एक क्यों ले लिया, क्यों नहीं 11 मिल गया इसको 18। अब इसको क्या है स्टेबल होने के लिए 18 चाहिए, 18 तो मिलना नहीं है किसी को भाई। कोई एक रुपया दो रुपया देगा उधार, 10 रुपया देगा उधार, अब 18 लाख थोड़ी देगा, बहुत महंगा दिया देगा नहीं। और इस 7 से 18 होने के लिए इसको 11 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 11 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होगा वो एक लेके ही काम चलाएगा, मतलब कम से कम इसको स्टेबल कर दे, अपने दोस्त को अमीर बना दे, कम से कम एक दोस्त को अपने स्टेबल कर दे, तो अपने फ्रेंड को स्टेबल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा और स्टेबल कर देगा, कम से कम दोस्त ये खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। वहां भी यहां भी वही बात है, यहां पे क्या होगा एल्युमिनियम के पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा जो वो देने की चाहता होगा कि भाई दे के इसको हम फ्री हो जाए। ऐसे समझ लीजिए कि एक भाई किसी के पास दो बेटे हैं, चाहेगा दोनों सेटल हो जाए, ठीक है ऐसे। अब यहां पे क्या होगा क्लोरीन यहां पे देखिए 7 है, ये 7 है, इसको कम से कम भाई 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि मिलने वाले है नहीं, ठीक है। तो चाहे कम से कम 7 ना हो गए, 2, 8, 8 हो जाते हैं तो भी थोड़ा स्टेबल फॉर्म में हम आ जाते हैं। तो क्या करेगा एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा यहां पे जाएगा, इस क्लोरीन सॉल्यूशन करेगा और 2, 8, 7 को 2, 8, 8 कर देगा, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, अब इस इलेक्ट्रॉन का करेगा दूसरे क्लोरीन सॉल्यूशन करा देगा, दूसरे क्लोरीन सेकंड जो क्लोरीन है उससे सॉल्यूशन कराएगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे 2, 8, 8 चाहिए भाई, एक ही जगह में आप 2 ले नहीं सकता, क्योंकि कम से कम क्या होता है किसी भी सेल को कंप्लीट करने के लिए 2, 8 के बाद 8 ही हो या 18 हो, कोई एक ही एक सेटिंग चाहिए नहीं होती उनको, तो या तो 8 हो जाए यहां पे, तो 8 तो पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पे क्या हो गया, यहां भी 2, 8, 7 ही 2, 8, 8 हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधार दे दिया इसको, यहां भी 8 दिखाई देगा, 3, 4, 3, 7, 1, 8, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर दिख रहा है वो कहां का है, वो एल्युमिनियम का ही है, ठीक है। अब और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा वो 3, 3, 3, 7, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो यहां पर दे देगा। तो क्या होगा, इसीलिए क्या होता है AlCl2, मतलब क्या क्लोरीन के 2 एलिमेंट 2 एटम लेंगे क्लोरीन का, एक एलिमेंट एटम नहीं ले रहा है, 2 एटम ले रहा है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, उसे क्या हो रहा है दोनों स्टेबल दिखाई देंगे, एल्युमिनियम स्टेबल है ही, क्लोरीन भी स्टेबल दिखाई स्टेबल स्टेज में होंगे। अब इसी का जो रिएक्शन यहां पे दिखाया गया है, जो इसका कैटायन एनायन स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, यहां पे दूसरा एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल था कैटायन एनायन का, दूसरा एग्जांपल था, जो दूसरा एग्जांपल है उसका हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे शो करेंगे हम पहले बता चुके थे, लेकिन अब यहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रहा है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक हम पहले ही बताए थे कि कैसे होता है कैसे रिएक्शन करता है, लेकिन यहां पे एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाई देगा वो कैसे कर रहा है। अब देखिए एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम 2, 8, 2, यहां पे क्लोरीन एल्युमिनियम क्या होता है 12 होता है, 2, 8, 10, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका 12 होगा। अब बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 12 होगा तो वो क्या कर रहा है 2, 8, 2, 2, 8, 2 में क्या करेगा, ये 2, 8 ले रहा है, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये दे रहा उधार किसी को, दे रहा उधार किसी को, तो यहां पे क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए दिखाई दिए अलग से, ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन अलग से दिखाई दिए, ये जो 2 यहां गायब हुआ है वही यहां क्या हुआ दे रहा उधार को, दूसरा जो 2 ज्यादा है वही देगा। अब यहां क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, तो क्लोरीन क्या होता है, एक क्लोरीन पे क्या होता है एक निगेटिव चार्ज ही होना चाहिए भाई, 2, 8, 7 की जगह 2, 8, 8 ही करना है उसको, तो क्या होगा 2, 8, 7 था, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो क्या होगा 2, 8, 8 हो गया, ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्लोरीन एक क्लोरीन का दिखाया गया सिर्फ, ठीक है, तो एक क्लोरीन यहां पर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां लिया है और क्लोरीन का 2 एटम है इसलिए -2, पहले ही बताया था हम कैसे होता है काम, AlCl2 अगर होता है AlCl2 होता है Al+2 चार्ज होता है, तो Cl-2 चार्ज चाहिए, तो -2 चार्ज होने के लिए क्या करेंगे, एक Cl पे एक ही माइनस होता है, एक Cl एक माइनस, दो Cl पे 2 माइनस, इसलिए यहां 2 है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर पूछिएगा, बताएंगे इसका आंसर।